हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सार गुप्ता एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम चैप्टर 76 एंटी डिफेक्शन लॉ, चैप्टर 77 प्रेशर ग्रुप्स, चैप्टर 78 नेशनल इंटीग्रेशन एंड चैप्टर 79 फॉरेन पॉलिसी पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले देखते हैं अपना प्रीवियस से क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या था? पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन अक्टूबर 1959 इन विच स्टेट? चार ऑप्शंस थे आपके पास, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। इसका सही आंसर क्या था? राजस्थान। एंड ये 1998 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के साथ। एंड पहला क्वेश्चन है, हु एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी प्राइम मिनिस्टर, सी होम मिनिस्टर, डी डिफेंस मिनिस्टर। The correct answer is option B, Prime Minister. National Integration Council को कब बनाया गया था? 1961 में। ये बहुत ज्यादा effective body नहीं है and last time इसकी meeting कब हुई थी? 2013 में। यानी कि 7-8 सालों से इसकी कोई भी meeting हुई ही नहीं है, ठीक है? Second question, which one of the following is not a principle of Panchseel? ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 1997 में यूपीएससी ने इसको पूछा था। इन चारों में से क्या एक पंचशील का फीचर नहीं है? पहला नॉन अलाइनमेंट, दूसरा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस यानी कि शांतिपूर्ण अस्तित्व, सी म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, डी म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, यानी कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में आप जो है हस्तक्षेप नहीं करोगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नॉन अलाइनमेंट। अब ये पंचशील है क्या, पंचशील के फीचर्स क्या हैं, उसे समझते हैं। सो पंचशील जो इंडो चाइना ट्रीटी हुई थी 1954 में, उसका प्रीएम्बल को क्या कहा जाता है? पंचशील। इस ट्रीटी को किस किस ने साइन किया था? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एंड चाइनीज प्रीमियर चॉन एन लाई ने। अब ये पंचशील के पांच प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, यानी कि हम एक दूसरे की संप्रभुता की रेस्पेक्ट करते हैं। नॉन एग्रेशन, हम एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे के मैटर पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। सो ये पांच प्रिंसिपल्स है पंचशील के एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड, Consider the following statement about Indian foreign policy. First, it aims at promoting international peace and security. Second, it embraces colonialism and imperialism. Yani ki jo Indian foreign policy hai, wo samrajyavad and upniveshwad ko badhava deti hai. Correct kya hai? A, one only, B, two only, C, both one and two, D, none of the above. The correct answer is option A, one only. पहला स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा देती है, ये आर्टिकल 51 में क्लियरली लिखा हुआ है। बट दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी साम्राज्यवाद को नहीं बढ़ाती, वो उल्टा अपोज करती है कॉलोनियलिज्म को, वो अपोज करती है इंपीरियलिज्म को, ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? ए फर्स्ट शेड्यूल, बी फिफ्थ शेड्यूल, सी टेंथ शेड्यूल, डी ट्वेल्थ शेड्यूल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टेंथ शेड्यूल। जहां तक बात है फर्स्ट शेड्यूल की, वो डील करता है टेरिटरी ऑफ इंडिया से, फिफ्थ शेड्यूल डील करता है शेड्यूल्ड एरिया से, ट्वेल्थ शेड्यूल डील करता है म्युनिसिपैलिटीज से। एंड टेंथ शेड्यूल को किसके थ्रू ऐड किया गया था? वाया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द हाउस कैन जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन द एक्सपायरी ऑफ डैश मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक्स हिज सीट इन द हाउस, सेलेक्ट द करेक्ट वन। यानी कि अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है लोकसभा या राज्यसभा में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो वो जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, बट कितने महीनों के अंदर? ए वन मंथ, बी थ्री मंथ, सी सिक्स मंथ, डी वन ईयर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सिक्स मंथ।
यानी कि कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, बट 6 महीने के बाद अगर वो ज्वाइन करता है वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई। सिक्स्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर। ऑन वन साइड वी हैव आर्टिकल 123, आर्टिकल 78, आर्टिकल 44, आर्टिकल 352। ऑन द अदर साइड वी हैव नेशनल इमरजेंसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। सो सही क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। पहला जो है आर्टिकल 123, वो डील करता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट से। आर्टिकल 78 बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। एंड आर्टिकल 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी की। सो ऑप्शन डी 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी, 4 का ए वुड बी आवर करेक्ट आंसर। एंड इन आर्टिकल्स को हमने कई बार पढ़ लिया है, सो आई बिलीव कि अब तो ये आर्टिकल्स आपको रट जाने चाहिए, ठीक है ना। सेवेंथ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रेशर ग्रुप्स। पहला, इट ब्रिंग्स द डिमांड एंड नीड्स ऑफ द पीपल टू द नोटिस ऑफ डिसीजन मेकर। Second, it acts as a vital intermediary institution between society and government. Correct kya hai? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D none of the above. The correct answer is option C both 1 and 2. Pressure groups kya karte hain? Wo logon ki demand ko sarkar tak pahunchate hain. Okay, so pehla bhi sahi hai, dusra bhi sahi hai. क्योंकि वो एक तरह का ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं। एक साइड है सोसाइटी, एक साइड है गवर्नमेंट। अब सोसाइटी क्या चाहती है वो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? प्रेशर ग्रुप से। प्रेशर ग्रुप्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि बिजनेस ग्रुप हो गए, अपने लेबर ग्रुप्स हो गए, रिलीजियस ग्रुप्स हो गए, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो गए और कई तरीके के इकोनॉमिक ग्रुप्स हो गए, है ना। एट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, यानी कि भाषा के आधार पे भारत में पहला राज्य कौन था? ए तेलंगाना, बी बिहार, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज डी आंध्र प्रदेश। इसे कब बनाया गया? 1953 में। एंड क्यों बनाया गया? क्योंकि जो पोती श्रीरामुल्लू थे उनकी डेथ हो जाती है 56 डे हंगर स्ट्राइक करने के बाद, और ये स्ट्राइक क्यों कर रहे थे? आंध्र प्रदेश की डिमांड के लिए। ओके, सो जब इनकी डेथ हो जाती है तो बहुत बड़ा बवाल मच जाता है, बहुत जो है क्या होते हैं कि राइट्स होने लगते हैं, फिर गवर्नमेंट जो है वो झुक जाती है और आंध्र करके वो एक लिंग्विस्टिक लाइन पे स्टेट बना देती है 1953 में। नाइन्थ, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्शन इज टू बी डिसाइडेड बाई, यानी कि दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी सुप्रीम कोर्ट, सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस यानी कि सदन के पीठासीन अधिकारी। अगर लोकसभा है तो स्पीकर, राज्यसभा है तो चेयरमैन। द आंसर इज ऑप्शन डी, यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस के पास ये पावर है कि डिफेक्शन के रिगार्ड में डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन को यही रिजोल्व करेंगे, यही फाइनल वर्डिक्ट देंगे। अब लोकसभा है तो स्पीकर यानी कि ओम बिरला डिसाइड करेंगे, और राज्यसभा है तो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि वेंकैया नायडू डिसाइड करेंगे। सो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ओके ना। टेंथ क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। सो AITUC अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला लाजपत राय, डी भगत सिंह। द आंसर इज ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय एक एक्सट्रीमिस्ट थे, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, इनके बारे में आपने हिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ा होगा। और ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ये कब एस्टैब्लिश की गई थी? 1920 में। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। 11th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर। ऑन वन साइड वी हैव फीकी, SOCHM, FIFDA, AIMO. On the other side, we have medium-sized industries, grain dealers, foreign British capital, major industrial and trading interest. So, अब आपको बताना ये है कि ये जो चारों business group हैं, वो किस चीज से related हैं? For that, I am giving you 5 seconds.
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जो फीकी है ना वो डील करता है किससे, मेजर इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग इंटरेस्ट से। जो एसोचैम है वो डील करता है फॉरेन ब्रिटिश कैपिटल से। जो फाइफडा है वो बात करता है ग्रेन डीलर्स की। एंड AIMO यानी कि ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन वो बात करता है मीडियम साइज इंडस्ट्रीज की। और ये जो चारों के चारों क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस ग्रुप्स हैं इंडिया की। अब फीकी जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एसोचैम का फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। फाइवडा का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूड ग्रेन डीलर्स एसोसिएशन। एंड AIMO का है ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सीक्स दैट द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर एंड इन अ स्टेट मस्ट नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा एंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट रिस्पेक्टिवली। ये 2007 में पूछा जा चुका क्वेश्चन था। ऑप्शन ए 91st अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 93rd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 95th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन डी 97th अमेंडमेंट एक्ट। द करेक्ट आंसर इज 91st अमेंडमेंट एक्ट। एंड ये कब हुआ था, 2003 में। किसके टाइम में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में। 13th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, P5 कंट्री कंसिस्ट ऑफ USA, जापान, रशिया, चाइना एंड यूनाइटेड किंगडम। सो जो P5 कंट्री है यानी पावरफुल फाइव कंट्री, उनमें ये कंट्री आती है। सेकेंड, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज अपोज टू आर्म्स रेस एंड देयर फॉर इट साइंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ऑफ 1968। जो फॉरेन पॉलिसी हमारी विदेश नीति है भारत की वो आर्म्स रेस के खिलाफ है, इसलिए हमने जो है NPT ट्रीटी को साइन किया था 1968 में। अब करेक्ट क्या है, ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। पहला क्यों गलत है, क्योंकि P5 कंट्री में जापान नहीं आता, जापान की जगह कौन आता है, फ्रांस। ओके, सो ये चीज आपको क्लियर है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत है क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की वो तो क्लियर बात है कि आर्म्स रेस को अपोज करती है, बट उसने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो थी 1968 की उस पे इंडिया ने साइन नहीं किया है। क्यों साइन नहीं किया है, क्योंकि इंडिया का ऐसा मानना है कि ये जो ट्रीटी है वो भेदभाव करती है और ये हेजेमोनिस्टिक नेचर की है। ये ट्रीटी कहती है कि केवल और केवल P5 कंट्री ही न्यूक्लियर वेपन होल्ड कर सकते हैं, बट इंडिया एक ऐसा कंट्री जिसके नाइबरहुड में चाइना है, पाकिस्तान है, जो खुद में ही न्यूक्लियर कंट्री है, तो इंडिया अपने आप को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकता है एस अ नॉन न्यूक्लियर कंट्री। इसलिए हमने इन ट्रीटी को साइन नहीं की थी, क्योंकि ये ट्रीटी जो है डिस्क्रिमिनेटरी है। ओके, 14th क्वेश्चन, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। ए, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। बी, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट। सी, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। डी, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। ये क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जो प्रीएम्बल है ना भैया वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये चीज कब कही गई, केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। बट इसका खुद का कोई इफेक्ट नहीं है, लीगल इफेक्ट नहीं है, बिकॉज प्रीएम्बल ना तो सोर्स है पावर्स का ना ही लिमिटेशन है। ठीक है, सो ऑप्शन डी वुड बी आवर करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो यूएन जनरल असेंबली के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ए, मारिया फर्नांडा एस्पाइनोसा। बी, विजयलक्ष्मी पंडित। सी, एंजाई ब्रूक्स। डी, हया राशिद अल खलीफा। सो इसका जो भी आंसर है वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। सो डू कमेंट द आंसर। इस तरीके से खत्म होते हैं हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 80 यानी कि नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड MCQs को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ हम कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs भी लेंगे। एंड जो नेक्स्ट सेशन होगा
वो पॉलिटी टेस्ट सीरीज का लास्ट सेशन होगा। हमने अभी तक 79 चैप्टर्स को कवर कर लिया, 40 लेक्चर्स ले लिए। क्वाइट लंबी जर्नी थी और क्वाइट अच्छी भी थी, एंड आई बिलीव ये जो पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज थी वो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अपनी पॉलिटी टेस्ट सीरीज की लास्ट क्लास में। आप चैप्टर 80 को पढ़ के आना, एंड टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।